आज की कुछ खास खबरें जो है सामने निकल करके आई है 2019 से 22 सेशन वालों के लिए। आपको हम सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं कि 3 जनवरी से यानी कि कल से जो है यूनिवर्सिटी जो है पूर्ण रूप से खुलने वाली है और यूनिवर्सिटी अपने जो है कार्य पे वापस लौट रही है, यानी कि यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टाफ मेंबर्स है वो अपने कार्य पे लौट रहे हैं। इधर जो है 2019 से 22 सेशन का पार्ट 1 का रिजल्ट जारी कर दिया गया और छात्र जो है आक्रोशित है। कारण ये है कि कई छात्रों का रिजल्ट जो है गड़बड़ बताया जा रहा है, कई छात्रों के ऑनर्स पेपर में प्रैक्टिकल है ही नहीं, उनको जो है प्रमोटेड बताया जा रहा है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, तो ऐसी कई सारी गड़बड़ियां हैं। जैसा कि आज का हेडलाइन आप देखेंगे, BRAVU परीक्षा दी, फिजिक्स की रिजल्ट मिला बोटनी का, तो ऐसी जो है गड़बड़ियां सामने निकल करके आ रही है और ये बहुत बड़ी चूक है यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब ऐसा बताया जा रहा है कि इन छात्रों के एडमिट कार्ड पे ही जो है सब्जेक्ट वगैरह जो है गड़बड़ हो गया था, जिसकी वजह से रिजल्ट गड़बड़ घोषित हुआ है। और हम आप सभी से ये पूछना चाहते हैं कि जिनका भी ऐसा रिजल्ट आया है, क्या उन्होंने अपने एडमिट कार्ड ठीक कराया था समय रहते, क्योंकि काफी ज्यादा समय दिया गया था एडमिट कार्ड बन रहा था जब, तो और उस टाइम जो है कई छात्रों ने अपने एडमिट कार्ड ठीक भी कराया था। अब जिनका ठीक नहीं हुआ होगा तो उनके साथ ऐसी परेशानी आ सकती है, लेकिन हालांकि हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि यूनिवर्सिटी और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो है वो कुछ भी साफ साफ कहने से डरती है और पहली तो अपनी गलतियों को छुपाने की जो पूरी कोशिश करती है। अब इसके बाद जो है आप लोगों की पार्ट 2 की परीक्षा होने वाली है 2019 से 22 सेशन वालों की, साथ ही साथ 2020 से 23 सेशन वालों की पार्ट 1 की भी परीक्षा होने वाली है। जो भी छात्र एवं छात्राएं 2019 से 22 सेशन वाले परीक्षा में प्रमोटेड हो जाते हैं और इसके बाद जो है उनको अपना जो पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म भर लेना रहेगा 2020 से 23 सेशन वालों के साथ। हालांकि जैसा कि रिपोर्ट बताया जा रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते से जो है पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म भी भरा जाएगा, पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म भी भरा जाएगा, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी एक समय पे सिर्फ एक ही काम करती है, या तो पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म भरवाती है या तो पार्ट 2 का या फिर पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरवाती है। तो ऐसा आपको कई बार देखने को मिला होगा, लेकिन फिलहाल जो है यूनिवर्सिटी कह रही है कि हम मार्च तक सभी लंबित परीक्षाओं को करा लेंगे। ऐसा जो है हनुमान प्रसाद पांडे जी का कहना है, जो कि हमारे वाइस चांसलर है, उन्होंने जो है कहा है कि हम जो एकेडमिक कैलेंडर तैयार करेंगे और उसी अनुरूप जो है हम परीक्षाएं लेंगे। तो जैसा कि आप लोग हेडलाइन में यहाँ पे देख रहे हैं कि इस साल होगी स्नातक की 3 सत्रों की 5 परीक्षाएं, तो यहाँ पे कौन सी परीक्षाएं हम आपको बता देते हैं। BRAVU विश्वविद्यालय वर्ष 2022 में जो है स्नातक की 3 सत्र की जो परीक्षाएं कराएगी, इसमें जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 की 2 परीक्षाएं हैं, पार्ट 3 की 1 परीक्षा है जो कि 2019 से 22 सेशन वालों की है। इसके बाद जो है PG की जो सत्र है वो एक साल पीछे चल रही है, तो वो भी परीक्षा करानी है। वोकेशनल कोर्स की भी जो है परीक्षा करानी है, जो कि एक बड़ी चुनौती है। यहाँ पे जो UGC की तरफ से जो है आदेश दिया गया है कि 2022 के जुलाई तक जो है आपको सारा सत्र कम्प्लीट करा लेना है, फिर अगस्त से जो एक नया सेशन स्टार्ट करना है। और आपको पता होगा कि समय पे जो है परीक्षा लेने के लिए जो है यहाँ पे OMR शीट की पद्धति अपनाई गई पार्ट 1 के परीक्षा में, और वही परीक्षा जो है 2 से 3 महीने तक हुई और रिजल्ट भी आया। अब रिजल्ट भी 2 से 3 बार जो है जारी किया गया है। जिनके भी रिजल्ट में अभी गड़बड़ी है तो वो सभी अपना रिजल्ट ठीक करा सकते हैं कल से यूनिवर्सिटी जबकि खुल जाएगी, यानी कि मान के चलिए 5 तारीख से जो पूरी तरीके से जो है यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी, जब लोग अपने अपने काम पे लौट आएंगे तब आप अपनी जो रिजल्ट को ठीक करा सकते हैं अपने कॉलेज के थ्रू जा करके। और कई छात्रों ने कहा है कि हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो आप यूनिवर्सिटी भी जा सकते हैं। हालांकि परीक्षा नियंत्रक जो है कह रहे हैं कि कॉलेज की तरफ से आप एप्लीकेशन फॉरवर्ड कराइए। और यहाँ पे जैसा कि आपको देख रहे हैं कि मार्च तक सभी लंबित परीक्षाएं कराने की जो है तैयारी की जा रही है, तो जो भी प्रमोटेड स्टूडेंट है वो भी जो है अगली परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन आप ये जरूर नीचे बताइए कि आपका किस कारण से प्रमोटेड बताया जा रहा है, रीजन बताया गया हो कि आप प्रमोटेड इस कारण से है, और आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट में जरूर कहिएगा। हालांकि मार्च तक कराने की बात कही गई है परीक्षा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की, वो देखते हैं कहाँ तक के सफल रहता है, आने वाला समय ही बताएगा। तो तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।